हिमाचल प्रदेश की चूड़धार चोटी का नजारा बेहद अलौकिक वह दिव्य था। 22 वर्ष के बाद शिरगुल महाराज के प्राचीन मंदिर में कुरुड़ की स्थापना का दिव्य अनुष्ठान संपन्न हुआ। दोपहर शिरगुल जी महाराज, जिन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है, के प्राचीन मंदिर में शांत महायज्ञ के पश्चात कुरुड़ स्थापना का कार्य शुरू हुआ। इस ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन के साक्षी हजारों श्रद्धालु बने। शिरगुल महाराज जी की जय के उद्देश्य से चूड़धार चोटी की वादियां गूंज उठी। इस दौरान पहले से तैयार कुरुड़ को श्रद्धालुओं द्वारा हाथों हाथ उठाकर देव वादन और शिरगुल के जयकारों के साथ लाया गया और मंदिर के शिखर पर स्थापित कर दिया गया। हालांकि आयोजन को लेकर समय 11 से 1 बजे के बीच का तय किया गया था, लेकिन माना जाता है कि देवता स्वयं मुहूर्त तय करते हैं, जिसके चलते दोपहर को कुरुड़ की स्थापना शुरू हुई। इस ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन के गवाह चोटी पर मौजूद हजारों श्रद्धालु बने। 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित चूड़धार चोटी का नजारा बेहद अलौकिक था। चोटी के करीब 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूद श्रद्धालुओं ने इस दिव्य नजारे को देखा, वह शिरगुल महाराज की असीम शक्ति का एहसास लिया। ये धार्मिक आयोजन शिमला व सिरमौर जिले के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि शिरगुल महाराज दोनों जिलों के आराध्य देव हैं। इस धार्मिक आयोजन, जिसे शांत कहा जाता है, का साक्षी बनने के लिए शिमला व सिरमौर से हजारों श्रद्धालु लगभग 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित चूड़धार चोटी पहुँचे। यह महायज्ञ धार्मिक वह आस्था व परंपरा के साथ साथ स्थानीय संस्कृति का भी प्रतीक है, जिसे सफल बनाने के लिए हजारों श्रद्धालु व सेवक मिलकर कार्य कर रहे थे। सिरमौर से कपिल शर्मा की रिपोर्ट, AMI न्यूज हिमाचल। कुरुड़ की स्थापना होनी है और यहाँ के सब समस्त आपके चुनाव निर्वाचन क्षेत्र और DC शिमला, SDM चौपाल और DSP, ASP, SP साहब, लेकिन उधर सिरमौर की जो प्रशासन है, DC सिरमौर सुमित खिमटा जी, SDM सुनील कैंट जी, SDM शिलाई, SDM राजगढ़ और DSP मुकेश डंडवाल जी की पूरी व्यवस्था तीसरी तक बनाए रखी है। और इसके संदर्भ में, कूड़ की व्यवस्था के संदर्भ में आप क्या बोलना चाहेंगे और श्रद्धालुओं को क्या आदेश देना चाहेंगे और इस महापर्व में क्या हर्षोल्लास के साथ श्रद्धालुओं को क्या अपना आशीर्वाद देंगे? आज जिला शिमला और जिला सिरमौर की बहुत ही सबसे पवित्रम स्थल चूड़धार में आज कुरुड़ इस मंदिर में लग रहा है, जिसका निर्माण यहाँ के स्थानीय लोगों ने, प्रशासन ने और समिति ने, जो यहाँ पर समिति है, इन तीनों के कंट्रीब्यूशन से एक भव्य मंदिर और यहाँ पर बहुत सारी सराहें रहने के लिए बनी है। मैं बहाल के एरिया के और हम्बल के एरिया के, चौपाल के एरिया के, समस्त कुपी के एरिया के, समस्त सिरमौर के एरिया के समस्त लोगों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और जो कमेटी है यहाँ पर, समिति है, उनका भी दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ और प्रशासन का भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। एक भव्य मंदिर का निर्माण 12,000 फीट की हाइट में किया है, जहाँ पर एक सीमेंट के कट्टे के लिए, दो कट्टे के लिए 400-500 रुपया खर्च होता है लाने के लिए, और कट्टा सस्ता मिलता है, लाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे दुर्गम स्थान पर इतने भव्य मंदिर निर्माण करना, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे भव्य मंदिर और दुर्गम स्थान में कहीं नहीं बना होगा जो यहाँ चूड़ेश्वर का मंदिर निर्माण हुआ है। इसके लिए समस्त चौपाल की जनता, समस्त सिरमौर की जनता और प्रशासन और समिति का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण इन्होंने किया है। और जो भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, उन सबको भी बहुत सौभाग्य की बात है कि उनको ऐसा मौका मिला है कि जो आने वाले समय में नहीं मिलेगा, और ये वो भी एक साक्षी बने हैं इस मंदिर के, कुरुड़ के टाइम के। और अपने आप को, जितने भी यहाँ 20-25 हज़ार लोग आए हैं, वो सभी अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित समझ रहे हैं कि ऐसे दिव्य और पवित्र स्थान पर हमें मौका मिला है कि ऐसे मंदिर का निर्माण, जहाँ शिवजी भगवान का वास है, ऐसे चूड़ेश्वर मंदिर में सबकी जो आस्था थी, उस आस्था के आस्था पर सब लोग खड़े उतरे हैं। और मैं समस्त
हिमाचल प्रदेश की जनता का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में और चौपाल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, और इसके लिए मैं सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि सिरमौर की जनता, शिमला जिला की समस्त जनता सबने बहुत सहयोग दिया है, और सभी एडमिनिस्ट्रेशन, सिरमौर के एडमिनिस्ट्रेशन ने सहयोग दिया है, शिमला के एडमिनिस्ट्रेशन ने सहयोग दिया है। स्पेशली आज जो ये शांत यज्ञ हो रहा है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, शिमला जिला की तरफ से और सिरमौर जिला की तरफ से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन दिन रात लगा हुआ है। मैं रात को देख रहा था, एसपी रैंक, एडिशनल एसपी रैंक के और एडीएम रैंक के अफसर भी रात को घूम रहे थे जनता की सुविधाओं के लिए, जनता को कोई तंगी तकलीफ ना हो। और सिरमौर के एरिया में जहाँ वहाँ ठहराव था, वहाँ भी सिरमौर के अफसर घूम रहे थे और सब लोगों की दुख दर्द तकलीफ देख रहे थे। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, और मैं देवता महाराज से यही विनती करूँगा कि समस्त हमारे चुनाव क्षेत्र और सिरमौर के समस्त जिला और शिमला जिला में सुख शांति समृद्धि दे, और सभी स्वस्थ रहे और सभी के परिवार आगे बढ़ते रहे। ऐसे में देवता महाराज और ईश्वर से ऐसे पवित्र दिव्य स्थल पर मैं विनती करता हूँ। देखिए जैसा कि आपको मालूम है, आज 11 और आज के इस पर्व के लिए, शांत पर्व के लिए हमने पिछले 3 महीने से लगातार व्यवस्था करी हुई है, और जहाँ तक मंदिर निर्माण की व्यवस्था की निर्माण कार्य चला और व्यवस्था की जहाँ तक बात है, बिजली की, पानी की, रहने की, ठहरने की, खाने पीने की व्यवस्था सब सुचारू रूप से हुई है। कोई भी इस तरह की कोई हमें कोई इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली है कि किसी व्यवस्था का आनंद रहा है। बहुत अच्छे ढंग से, बहुत पीसफुली, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से पूरा जो है वो ये कार्य जो है रात को निपट गया है, और आज हमारा मेन जो है ये इवेंट है जो कि शांत पर्व में लगने का जो कार्यक्रम होता है वो आज मेन कार्यक्रम है। आज यहाँ 15,000 से 20,000 आने की संभावना है, और इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। बहुत दिनों से हम इस पर लगे हुए हैं, और इसके लिए जो है वो हम ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ फूल जो लगना है इसमें हमने व्यवस्था करके रखी है। इसमें हमारे पास 12 जो है वो देवी देवता की पालकियाँ भी आई है, कुछ छड़ियाँ भी आई है, साथ में उनके साथ लोग भी होंगे, देवगुरु भी होंगे, और वो लोग भी यहाँ उनके वक्त जो है वो रहेंगे। तो हम यही चाह रहे हैं कि ये व्यवस्था जो है सही ढंग से निपट जाए, और साथ में हमारी जो पुलिस व्यवस्था है, डीएसपी साहब के साथ में पुलिस व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। बहुत हमने लगभग 50 से 60 जवान यहाँ पर लगाए हैं, सभी की जिम्मेवारी हमने 5 सेक्टरों में इसको बांटा हुआ है। हर सेक्टर में हमने एक सेक्टर मजिस्ट्रेट रखा हुआ है, और सभी को हमने कार्य अलॉट किए हुए हैं ताकि हुए हमें इस तरह की व्यवस्था को। हम यही चाहते हैं कि इतना बड़ा पर्व है, क्योंकि आप जानते हैं कि लगभग 12,000 जो है फिर की ऊंचाई पर ये स्थल है, इतने ऊंचे स्थल पे इतना बड़ा आयोजन करना, 15,000 से 20,000 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, चैलेंजिंग काम है। यहाँ पर बहुत जो है वो जितनी भी व्यवस्थाएं हुई है सभी ने मिलकर प्रशासन का सहयोग लिया है। इसमें जो चुकी सेवा समिति है, शांत कमेटी है, मंदिर कमेटी है, पुलिस के लोग हैं, सभी डिपार्टमेंट्स के लोग हैं। मैं सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत अच्छे ढंग से ये कार्यक्रम चला हुआ है, और आज का जो मेन इवेंट है इसमें भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये भी काफ़ी अच्छे ढंग से पीसफुली जो है सम्पन्न हो जाएगा। थैंक यू सर।